के साथ पलटवार किया है। लालू यादव को दी आरोपों को साबित करने की चुनौती। लालू ने आरसीपी सिंह पर लगाया था डीएम और एसपी के एसपी से वसूली का आरोप। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने भी आरसीपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आरसीपी के कुकर्म और जनता इनके बारे में जानती है, आरसीपी को मैं नेता नहीं मानता। आउटसोर्सिंग में आरक्षण के फैसले के बीच बिहार में दलित आरक्षण पर भी सियासत जारी है। लालू प्रसाद यादव ने जेडीयू के नाराज दलित नेताओं का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। दलित आरक्षण को लेकर जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक को लालू का साथ मिला है। नीतीश को दलित विरोधी बताया है उन्होंने। पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि दो नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी ने पार्टी फोरम में रखने की बात सलाह दी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का आरोप शर्मनाक है, अगर सबूत है तो सामने रखें। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव सपरिवार जेल जाने वाले हैं, जिसको लेकर वो मानसिक हताशा में। राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनके साथ ही आयोग के सभी 7 सदस्यों ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नई अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग आज आयोग के कार्यालय पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार के सपने को हकीकत का रूप कैसे दिया जाए, इसको लेकर पटना समाहरणालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसका मकसद था नाबालिग बच्चों की शादी और दहेज के लेन देन पर रोक लगाना। दरभंगा में कारोबारी विनोद की हत्या कर 4 लाख रुपए लूटने के मामले में मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी रमेश सहनी की गिरफ्तारी हुई है। बाजार समिति के मखाना व्यवसायी राजेश कुमार से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में फरार था। मधेपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके के श्रीरामनगर गांव में पहले हुए विवाद को लेकर हथियारों से लैस बदमाशों ने गांव में आकर जमकर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। किशनगंज के जिला परिवहन विभाग परिसर में शराब माफियाओं को ग्रामीणों का धमकाना महंगा पड़ा। जी मीडिया का कैमरा देखकर भाग रहे शराब माफिया को लोगों ने दबोच लिया और फिर लात घूंसे से उनकी जमकर पिटाई कर दी। पटना सिटी के खाजेगढ़ा थाना क्षेत्र के सदर गली इलाके के एक घर में दिन दहाड़े चोरी करने आए चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है। गुस्साए लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। दरभंगा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों का आरोप लगा है कि कॉलेज में उनके साथ रैगिंग हो रही है। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में लिया है। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर अंतर जिला बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी हुई बाइक और मोबाइल भी बरामद हुआ है। बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई पड़ रही थी। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। बेलसर ओपी थाना क्षेत्र के मौना चौक स्थित महादलित बस्ती में अचानक आग लग जाने से 4 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग पर ग्रामीणों की तरफ से काबू पाने के लगभग 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। वहीं कटिहार के समेली प्रखंड के ठाकुरबाड़ी टोली में आग ने कहर बरपाया है। खाना बनाने के दौरान 4 झोपड़ियों में आग लग गई। आग की चपेट में पालतू जानवर भी आ गए। आरा के बिहिया के बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में लगी आग। दालमोठ फैक्ट्री में यह आग लगी थी। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आरजेडी के नेता अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़क पर आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं। विधायक ने बिहार सरकार समेत केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कटिहार में शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये अहम कामयाबी मिली है। तस्करों से 40 लीटर शराब को भी बरामद किया गया है। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र के संथाली टोला में अवैध चुलाई शराब निर्माण भट्टियों को ध्वस्त किया गया। तकरीबन 1000 किलोग्राम जावा महुआ भी नष्ट किया गया। वहीं मौके से 70 लीटर देसी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
भ्रष्टाचार के खिलाफ तरैया में एसएसबी 27वीं बटालियन की पहल, स्कूली बच्चों को लेकर रैली निकाली और लोगों में भ्रष्टाचार मिटाने का संदेश दिया। बच्चों ने पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर फैसले की खुशी जताते हुए टीईटी नियोजित और परिवर्तन प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने बिहार शरीफ में पटाखे जलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला आज से शुरू हो रहा है। गौरवशाली पौराणिक धार्मिक और ऐतिहासिक अतीत को अपने दामन में समेटे हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी करेंगे। पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में शाम 4 बजे मेले का शुभारंभ होगा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेले में पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर पर्यटक ग्राम बनाया गया है। बिहार के ग्रामीण परिवेश का लुक देने के लिए स्विस कॉटेज को उसी तरह सजाया गया है। स्विस कॉटेज में 5-स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आज से समस्तीपुर के विद्यापति नगर में भी 3 दिनों तक चलने वाले राजकीय महोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन राजकीय मेले में मिथिला और मैथिली को सम्मान नहीं मिलने से स्थानीय लोग और बुद्धिजीवियों में नाराजगी है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दखल देने की मांग की गई। औरंगाबाद में आज से 2 दिवसीय युवा उत्सव की शुरुआत हो गई है। उत्सव में जिले भर के सैकड़ों युवा कलाकार शामिल हुए। पटना में गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था बर्मिंघम के प्रतिनिधियों से सीएम नीतीश कुमार ने पटना सचिवालय में मुलाकात की है। इस दौरान 350वें प्रकाश पर्व के समापन समारोह की तैयारियों पर चर्चा की। चतरा के विकास भवन में आग लग गई। आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। विकास भवन में डीआरडीए समाज कल्याण और कल्याण विभाग के दफ्तर हैं। देवघर हादसे के बाद छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। नगर थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ के पास देर रात ट्रक ने एक छात्रा को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान छात्रा की रात में ही मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नो एंट्री जोन बनाया जाए। गढ़वा के डीसी ने निर्देश दिया है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में अपना निजी क्लिनिक नहीं चला सकते हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एक निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बुंडू की टीम शामिल नहीं हो पाई, इसके लिए बीडीओ को दोषी बताया जा रहा है। बीडीओ के रवैये के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। बुंडू की टीम के नहीं खेल पाने की वजह से बुधवार को प्रखंड कार्यालय के सामने धरना दिया गया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय में स्थित पशु चिकित्सालय की इमारत जर्जर हो रही है। आलम यह है कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी जान हथेली पर लेकर नौकरी कर रहे हैं। इसकी जानकारी कई बार विभाग को लिखित रूप में दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लातेहार के बरवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल है। अस्पताल में तैनात 3 में से 2 डॉक्टर हमेशा नदारद रहते हैं, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और मरीजों की लंबी कतार लग जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला मरीजों को होती है। गढ़वा में चेन गेट के अंदर बंद रहते हुए लाखों रुपए के कैल्शियम यूं ही बहकर बर्बाद होकर दिए गए। कैल्शियम गढ़वा के पशुपालकों को दिए जाने थे। 3 दिवसीय झारखंड माइनिंग शो का समापन हुआ। वेदांता श्री सीमेंट समेत 3 कंपनियों के साथ ये एमओयू हुआ। 60 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हुई। झारखंड में निवेश लाना था इसका मकसद। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास बोकारो दौरे पर पहुंचे। यहां वो पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के जैतारा में लीलू हीरू और पटल बाउरी के 40वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। झारखंड में 2 लाख युवाओं की टेक्सटाइल उद्योग में मिलेगा रोजगार। सीएम रघुवर दास का बयान, साल 2020 तक एक भी बीपीएल परिवार नहीं बचेगा। कहा, 14 वर्षों तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकारों ने प्रदेश को लूटा। धनबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल पार्टी के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव चल रहा था। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तारकेश्वर यादव और अभिषेक यादव के समर्थक चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही आपस में भिड़ गए। गढ़वा के 10,000 मुस्लिम बीजेपी में शामिल होंगे। जिले के 117 गांव में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है, जिनका वोट चुनाव के दौरान निर्णायक साबित होता है। ऐसे में समुदाय की एक बैठक में लोगों ने बीजेपी का साथ देने का फैसला लिया है।
देवघर के नगर थाना क्षेत्र के भुरभुरा मोड़ के पास ट्रक ने 14 साल के छात्र को कुचल डाला, जिसके बाद लोगों ने ट्रक को पकड़ लिया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। नाराज भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यह हादसा। वहीं गिरडीह में बगोदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 34 यात्री घायल हैं। पिछले दिनों धनबाद में एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी, तो भूख से मौत की बात सामने आई थी, लिहाजा जी मीडिया ने रियलिटी चेक के जरिए जाना कि आखिर रिक्शा चालकों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। चाईबासा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर संदीप दा उर्फ मोतीलाल सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। 25 लाख के इनामी नक्सली संदीप दा को जेटेया थाना क्षेत्र से उस वक्त पकड़ा गया जब वो फुटबॉल मैच देखने आया। रांची के पास तमाड़ पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 25 बाइक बरामद की गई। लातेहार के लाटू गांव में आदिम जनजाति के बच्चों के लिए स्कूल तो खुलवाया गया है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते 3 सालों से स्कूल का ताला तक नहीं खुला है। ग्रामीणों ने स्कूल खुलवाने को लेकर प्रखंड से लेकर जिले तक गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं। झारखंड में कुपोषण अभिशाप बनता जा रहा है, इसे खत्म करने को लेकर सरकार के तमाम दावे फेल होते जा रहे हैं। सरायकेला के कांदागोड़ा गांव में एक ही परिवार के 4-4 बच्चे कुपोषण के शिकार। कोयले की कमी की वजह से झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली तक बिजली संकट पैदा हो सकता है। बताया जा रहा है कि 10 बिजली प्लांट में कोयले के स्टॉक की स्थिति को प्राधिकरण ने क्रिटिकल की श्रेणी में रखा हुआ है। धनबाद के झरिया में भूख से हुई बैजनाथ दास की मौत को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने कहा है कि अगर बैजनाथ की मौत भूख से नहीं हुई है तो आनन फानन में जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को राशन कार्ड क्यों दिया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आदित्यपुर में एक प्रेमी जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। सरायकेला खरसावां के सालढी बस्ती की रहने वाली गुड्डी अपने प्रेमी जितेंद्र तांती से प्रेम करती थी, लेकिन उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं। रांची का पोताला मार्केट गर्म कपड़ों के लिए मशहूर है। जाड़े का मौसम शुरू होते ही तिब्बत से आए व्यापारी रांची के बाजार में तरह तरह के आकर्षक गर्म कपड़े भेजते हैं और एक मौसम जो इन दुकानदारों को साल भर की कमाई का इंतजार कर जाता है वो यही है। रामगढ़ के छावनी परिषद मैदान में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जिले की 11 प्लाटूनों ने मार्च पास्ट किया। करीब 3 किलोमीटर लंबा ये मार्च पास्ट छावनी परिषद मैदान से शुरू होकर जिला अनुमंडल कार्यालय तक किया। रांची के सीसीएल मुख्यालय में जहां सीसीएल का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो दूसरी ओर सीसीएल के मुख्यालय के बाहर एचएमएस के कर्मी जो खुद सीसीएल परिवार का हिस्सा रह चुके हैं अपनी मांगों को लेकर बाहर धरने पर बैठे थे। सरायकेला के आदित्यपुर में राजस्थान युवा संघ ने श्री श्याम जन्मोत्सव और अमृतमय भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने श्याम प्रभु के नाम पर महाप्रसाद ग्रहण किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की भारत यात्रा 17 राज्यों से होते हुए झारखंड के हजारीबाग पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने देश में किसानों के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। यूपी में रायबरेली के उंचहार में एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। उंचहार एनटीपीसी में 500 मेगावाट की अंडर ट्रायल यूनिट नंबर 6 के बॉयलर का स्टीम पाइप फट गया। हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा वर्कर्स घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए आसपास के शहरों में भेजा गया है। उन्नाव, बलरामपुर और प्रतापगढ़ में सभी का इलाज पूरा है। एनटीपीसी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी, मजिस्ट्रेट और टेक्निकल अधिकारी की टीम जांच करेंगी। एनटीपीसी हादसे में घायल 3 एजीएम को एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता लाया जाएगा। अस्पताल से एयरपोर्ट लाने के लिए लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 22 लोगों की मौत पर जेडीयू के निलंबित सांसद अली अनवर का असंवेदनशील बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनटीपीसी का बॉयलर गेरुआ रंग में होता तो हादसा बच जाता।
एनटीपीसी प्लांट के बाहर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का हंगामा, मुआवजा बढ़ाने की मांग है। प्लांट हादसे को लेकर पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और सीएम योगी ने घायलों की प्राथमिकता के आधार पर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने एनटीपीसी हादसे से पीड़ितों की मुलाकात की है, अस्पताल जाकर उनका हालचाल पूछा। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में दो जगह रैलियां करेंगे। सिरमौर और कांगड़ा जिले में दो रैलियों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने अपनी फैमिली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वांगचुक की पत्नी और महारानी जैटसन पेमा वांगचुक और प्रिंस ग्यालसे भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ वैन पर आतंकी हमला, चार जवान घायल। 4 नवंबर को खिचड़ी नेशनल डिश यानी राष्ट्रीय भोजन बनने जा रही है। दिल्ली में मनाए जाने वाले खाद्य दिवस पर खिचड़ी को देश का सुपर फूड बनाने की घोषणा की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने खिचड़ी को इंडियन क्विजीन यानी भारतीय भोजन के रूप में पेश करने का आइडिया दिया था। अमेरिका के कोलोराडो में अंधाधुंध फायरिंग, आरोपी के बारे में कोई खबर नहीं, एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो न्यूयॉर्क हमले के दोषी को ग्वांटानामो बे जेल में भेज सकते हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हमले के बाद ट्रंप ने फिर इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव की वकालत की है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद न्यूयॉर्क हमलावर ने 23 लोगों को अमेरिका आने में मदद की। न्यूयॉर्क हमले के दोषी सैफुल्ला के पड़ोसियों का कहना है कि सैफुल्ला बहुत कम ही लोगों से मिलता जुलता था और कभी कभार ही बस हेलो होती थी। रूस और अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। रूस में पाकिस्तान के साथ 2 सप्ताह तक चले रूस के सैन्य अभ्यास पर एक सवाल का जवाब देते हुए रूसी राजदूत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में कोई तुलना नहीं। यमन के सदाह इलाके में सऊदी गठबंधन सेना की बमबारी में 26 लोगों की मौत हो गई। बमबारी सऊदी अरब के पास की गई जिसमें कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पिछले 2.5 साल से यमन में सऊदी गठबंधन और हाउथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस्तांबुल के पास ब्लैक सी में एक कार्गो शिप के डूबने से उसमें सवार 11 लापता लोग हो गए हैं। शिप में कास्ट आयरन लदा हुआ था जिसे बुर्सा से जोंगुलटेक ले जाया जा रहा था। सीरिया के डेर अल जोर में 6 रूसी Tu-22M3 के भारी बमबारी की। रूस के विदेश मंत्रालय का दावा है कि इस बमबारी में आतंकियों के कई ठिकानों और हथियारों के भंडारणों को खत्म किया गया। ब्रिटिश सरकार यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिर गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के डिप्टी डैमियन ग्रीन ने अपने ऊपर लगे छेड़खानी के आरोपों पर इनकार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक पब में एक महिला को गलत तरीके से छुआ था। इराक के कुर्दिश इलाके सुलेमानिया में सरकारी कर्मचारियों और पेशे मेरगा फाइटर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अपनी सैलरी देने की मांग की है और साथ ही इराकी कुर्दिश लीडर मसूद बरजानिया को सत्ता से हटाने की मांग की। बाजार की आज हो सकती है कमजोर शुरुआत। अमेरिका के मिले जुले संकेत के बाद निफ्टी में हल्की कमजोरी। यूएस फेड की दरों में बदलाव नहीं, लेकिन दिसंबर में दरें बढ़ाने का विकल्प खुला हुआ है। अनुमान से ज्यादा बिकी बजाज ऑटो की गाड़ियां। अक्टूबर में बिक्री 7.5% बढ़कर निकली 3,82,000 के पार। टीवीएस मोटर ने भी अक्टूबर में बेची 3% से ज्यादा गाड़ियां। हीरो मोटो के नतीजे अनुमान से बेहतर, मुनाफा 0.5% से ज्यादा बढ़ा। मार्जिन में 0.25% का जोरदार उछाल। मेटल के दाम बढ़ने का खास असर नहीं पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार। 4 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को कैबिनेट से मंजूरी। डर्जिंग कॉर्प में पूरा हिस्सा बेचेगी सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटका हेल्थ केयर और हिंदुस्तान लाइफ केयर में भी बिकेगा हिस्सा। आज खुलेगा खादिम इंडिया का आईपीओ। प्राइस बैंड 745 से 750 रुपए। न्यू इंडिया एश्योरेंस के आईपीओ का आज दूसरा दिन पूरा भरा। इशू महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का आईपीओ आज होगा बंद, अब तक सिर्फ 93% भरा।
भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हरा दिया। सीरीज के पहले मैच में भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। मैच में पहले खेलते हुए धवन और रोहित शर्मा ने 80 रन बनाए। 20 ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बनाए। न्यूजीलैंड टीम 8 विकेट खोकर सिर्फ 149 रन ही बना सकी। भारत की ओर से चहल और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। करियर के आखिरी मैच में नेहरा को एक भी विकेट नहीं मिला। शिखर धवन मैन ऑफ द मैच चुने गए। सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट के स्वराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 नवंबर को मुकाबला होना है। खबर है कि दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पद्मावती अमेरिका, चाइना समेत कई और देशों में रिलीज होगी। दूसरे देशों में रिलीज डेट अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुई। पद्मावती के प्रमोशन में रणवीर सिंह का कम ही नजर आएंगे। रणवीर फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक फिल्म की तैयारी में लगे हुए। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म पद्मावती का ट्रेलर 3D में भी रिलीज किया गया है। दीपिका अकेले ही 3D ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची। फिल्म टाइगर जिंदा है की नई तस्वीरें सामने आई है। फिलहाल फिल्म के एडिट पर काम चल रहा है। फिल्म का ट्रेलर जल्द ही लोगों के सामने आएगा। वरुण धवन और आलिया भट्ट स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ गए हैं। दोनों ने एक एड के जरिए फैंस को सफाई का संदेश दिया। 100 शहर 100 खबर में इतना ही, लेकिन एक ब्रेकिंग